If you are a true cyclist, chances are you like maintaining your bike the most. So in this video, I'm gonna show you how you can clean your bike entire drivetrain and gears easily at your home. If you are watching my videos for the first time, make sure you subscribe this channel and hit the bell notification all notification button so that you get updated every time I upload a new video. Let's start this video. So guys, as you can see, mera jo entire drivetrain hai, piche ka jo cassette hai, it's quite dirty, kafi ganda hai ye here. And the derailleur itself is quite dirty. Isko bhi saaf karna hai. The jockey wheels are dirty. If we talk about this chain, look at this. The chain itself is quite dirty. So we will be cleaning this chain, front chain ring, our cassette and our derailleur. So let's start with the process. Guys, jo pehla step main use karta hu, that is degreasing. So I use Zoric 88, normally WD-40 ko bhi use karta hu, but since I couldn't find a WD-40, so main isliye ye Zoric 88 lekar aaya hu. So what we need to do is, we need to spray this Zoric 88 or WD-40 जो भी आपको मिले on our chain, ताकि जितना भी chain में जो grease लगा हुआ है, जो पहले पुराना का जितना भी grease and gunk जमा हो रखा है, ये उसको काफी हद तक remove कर देगा and हमको help करेगा अपने next step में बढ़ने के लिए. Alright guys, so this multi-purpose maintenance spray, अब हम इसको अपने chain के ऊपर spray करेंगे ताकि जो gunk है वो निकल जाए. So before you even spray, थोड़ा सा इसको हिला लो, shake कर लो ताकि ये अच्छे तरीके से उसमें काम करे and then सिंपली आप अपने चेन के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से इसको स्प्रे कर दो. तरीके से आप अपने चेन में इसको पूरा स्प्रे कर दो ताकि जितने भी लिंक्स हैं उन सभी में ये WD-40 या Zoric 88 पहुंच जाए और आपको क्लीन करने में हेल्प करें. वंस इट्स डन, कीप स्पिनिंग योर चेन सो दैट ये सारे चेन लिंक्स में अच्छे तरीके से पहुँच जाए एंड आपके चेन को अच्छी तरीके से क्लीन करने में हेल्प करे. नाउ अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा स्प्रे करेंगे. नाउ बिफोर वी स्प्रे ऑन दिस, इफ़ यू आर अ डिस्क ब्रेक यूज़र, आई रिकमेंड कि आप पुराना कपड़ा एक यूज़ करके अपने डिस्क ब्रेक को पहले अच्छे तरीके से कवर कर दो ताकि उसमें WD-40 या Zoric 88 कहीं से ना लगे. बिकॉज अगर उसमें लग गया तो बॉस आपका डिस्क ब्रेक का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा. वी नीड टू डू इज़ जस्ट स्प्रे अ लिटल ऑन योर कैसेट, नो नीड टू स्प्रे हैविली. जस्ट थोड़ा थोड़ा करके आप अपने कैसेट में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दो ताकि कैसेट भी अच्छे तरीके से एक बार क्लीन करने में हमको हेल्प मिलेगी. ऑल्सो आई एम गोना बी स्प्रेइंग अ लिटिल बिट ऑन माय डिरेलर, जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं, जितने भी उसके जो उसके जॉकी व्हील्स हैं उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देंगे ताकि उसको भी क्लीन करने में हेल्प मिले. ऑलराइट गाइस, सो नाउ हमने जब एक WD-40 या Zoric 88 को हमारे चेन एंड कैसेट एंड डिरेलर के ऊपर स्प्रे कर दिया है तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि ये अपना काम करना शुरू कर दें, सारे ग्रीस एंड गंक को रिमूव कर दें. नाउ जब तक ये अपना काम कर रहा है तब तक आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने फ़ोन को लो, अपने ड्राइव ट्रेन एंड कैसेट की एक फ़ोटो खींचो और इंस्टाग्राम में पोस्ट करो लाइक आई एम अ ग्रीस मंकी #bikecleaningday. इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, मेरे को भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो यार, मैं भी इंस्टाग्राम में हूँ. मेरा इंस्टाग्राम का आईडी @cycleriderroy. अगर फॉलो करोगे तो उससे मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे एंड मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा. गाइस, सो फर्स्ट स्टेप हमने जब कंप्लीट कर लिया है एंड हमने डीग्रीजिंग स्प्रे को ओवरऑल पूरे चेन एंड कैसेट एंड डिरेलर में स्प्रे कर दिया है, जो सेकंड स्टेप है गाइस वो भी बहुत इजी है. उसके लिए बस आपको दो चीज़ की ज़रूरत होगी. नंबर वन इज़ दिस डिश वॉशिंग लिक्विड, ये नॉर्मली 20 रुपये का आ जाता है. नाउ डोंट आस्क मी कि क्या हम सर्फ एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, घर का साबुन यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं. नहीं बॉस, ये सब कुछ भी यूज़ मत करो यार, वो कपड़े धोने का सामान है, यहाँ कपड़े नहीं धो रहे हैं. बट दिस लिक्विड सोप ये हेल्प करता है जो भी हमारा रेसिड्यू है जो हमने स्प्रे किया है उसको रिमूव करने में. इसी के साथ साथ गाइज आई रिकमेंड कि यू गेट दिस चेन क्लीनिंग टूल, ये अमेजन पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, शायद 200-300 रुपये का आता है एंड बिलीव मी इट वन ऑफ द गुड टूल फॉर योर चेन क्लीनिंग. जस्ट आप इसके ऊपर अंदर थोड़ा सा इस तरीके से अपना लिक्विड सोप पूरा डाल दो ताकि ये क्लीन करने में हेल्प करेगा एंड देन थोड़ा सा पानी इसके ऊपर आप ले लो कुछ इस तरीके से और फिर आप अपने चेन में इसको इस तरीके से लगा के इसको कर दो अच्छे तरीके से लॉक. इट्स क्वाइट ईजी, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है इसको अपने घर में. एंड फिर आप अपने बाइक के चेन को एटलीस्ट 30-40 स्पिन इस तरीके से करो. बस इससे क्या होगा, जितना भी ओल्ड ग्रीस होगा एंड जो हमारा स्प्रे है वो भी साथ ही साथ पूरे ग्रीस को लेके रिमूव हो जाएगा. बट गाइस एज यू कैन सी हमने जो अभी ये टूल यूज़ करा, देखो सारा जितना भी ओल्ड ग्रीस था
वो पूरा देखो निकल गया है। बेसिकली चेन क्लीनर टूल के अंदर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म पूरा रहता है जो चेन को हमारे हर एंगल से क्लीन करने में हेल्प करता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी हेल्पफुल टूल, सो इसको ज़रूर खरीद लेना अमेजन से। ऑलराइट गाइस, सो इसी चेन क्लीनिंग टूल में जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ यूजिंग दिस ब्रश। ये ब्रश भी आपको नॉर्मली यार 10 से 20 रुपए का मिलता है खरीदने में, नॉर्मल दुकानों पर ये मिल जाता है तो इसको ढूंढ लेना। इस ब्रश की हेल्प से हम लोग क्लीन करेंगे अब अपने चेन रिंग को एंड जो पीछे का कैसेट है उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे। यूज़ द डिशवॉशिंग लिक्विड एंड दिस ब्रश, एंड जिस तरीके से आप ब्रश करते हो सुबह उठने के बाद सेम उसी तरीके से अपने साइकिल के कैसेट को भी ब्रश करवा दो। ऑलराइट गाइस, एज यू कैन सी द कैसेट इज क्लीन, आवर डिरेलर इज ऑल्सो क्लीन, एंड जो चेन है हमारा वो भी पूरी तरीके से साफ हो चुका है, एंड जो चेन रिंग है फ्रंट का दैट इज ऑल्सो क्लीन। ऑलराइट गाइस, सो वंस ऑल द स्टेप्स आर कम्प्लीट, नाउ मेक श्योर यू यूज अ ओल्ड रैग, इस तरीके का पुराना कपड़ा यूज कर लो एंड क्लीन योर चेन एंड कैसेट एंड योर डिरेलर, ताकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा जिससे इसमें रस लगने का कोई भी चांस नहीं होगा। पड़ गई, सो एक बार जब ऐसा हो जाए आप अपने बाइक को पकड़ के कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करो जिससे जो भी एक्स्ट्रा वाटर आपके कैसेट में होगा अंदर वो भी रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो एक बार जब हमारे सारे स्टेप पूरे हो जाए आप अपने बाइक को इस तरीके से जैसे मैंने अभी खुले धूप में छोड़ा हुआ है इस तरीके से धूप में छोड़ दो। इससे क्या होगा कि धूप की गर्मी से जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो पूरी तरीके से सूख हो जाएगा एंड एक्स्ट्रा वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। एंड जब तक ये सूख रहा है तब तक जाओ यार एक कप चाय या कॉफ़ी या जो भी आपको पीना है वो पी लो, तब तक दिया। सो गाइस, नाउ आर एंटायर बाइक ड्राइव ट्रेन इज क्लीन एंड ड्राइड अप, सो इट्स टाइम कि हम इसको ल्यूब कर दें। आई यूज़ दिस ल्यूब, ये स्क्वर्ट के तरफ से एक वैक्स ल्यूब है, ड्राई ल्यूब है ये, आप किसी दूसरे ब्रांड का ड्राई ल्यूब या वेट ल्यूब यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस, बट मेक श्योर डोंट यूज़ घर का सरसों का तेल या फिर कुकिंग ऑयल या फिर जो भी ऑयल मिलता है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर बेबी मसाज ऑयल या सर पे लगाने वाला नारियल तेल, बॉस ये सब चीज़ें यूज़ मत करो, इनसे बाइक का ड्राइव ट्रेन ल्यूब नहीं होता है। मेरे को काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं सरसों के तेल से अपने बाइक के चेन को ल्यूब कर सकता हूँ, या मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं नारियल के तेल से अपने बाइक के ड्राइव ट्रेन को ल्यूब कर सकता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड बाय अ स्विंग मशीन ऑयल, जो हमारी सिलाई मशीन के ऑयल होते हैं नॉर्मल बाइसाइकिल के शॉप पर आपको 20 रुपये में मिल जाता है एक छोटा सा बॉटल, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जब उसका इस्तेमाल करो तो थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करो, ज़्यादा ना करो, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से आपकी चेन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा शेक कर लेता हूँ ताकि वैक्स अच्छी तरीके से पूरा घुल जाए, एंड देन सिंपली आई जस्ट गो अहेड एंड मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके चेन में कुछ इस तरीके से मैं पूरा अप्लाई कर देता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जब इसको पूरे चेन में अप्लाई कर रहे हो आप अपने गियर्स को शिफ्ट करते रहो ताकि ये सारे कैसेट में भी पहुंच जाए, एंड वंस डन मैं थोड़ा सा हाथ को भी इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से चेन के लिंक्स में इसको अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड कर देता हूँ। ऑलराइट, सो एक बार जब हमने सारा अपना ल्यूब लगा दिया है आई मेक श्योर कि एक पुराने कपड़े से जो भी एक्सेस ल्यूब है मैं उसको रिमूव कर दूँ। सो गाइज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की और भी कौन से मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को चाहिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिसको जरूरत है अपने बाइक के चेन को क्लीन करने की, ताकि उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, साथ ही जो बेल बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो आने वाली है नेक्स्ट वीक वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो को लेके गाइज, टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल, बाय बाय।